आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा लगातार सक्रिय है। ऐसे में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम भाजपा की तरफ से चल रहे हैं। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के महगांव विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस विफल साबित हो रही है। भाजपा 150+ सीटें हासिल करेगी। वहीं लगातार भाजपा की तरफ से कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था और महगांव विधानसभा का बूथ स्तर से कार्यकर्ता बुलाए थे और उनका सभी विधानसभा के हिसाब से ये विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं को उत्साह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पूर्व में कई दायित्वों पर रहे सम्मान्य भाई साहब वेद प्रकाश जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन से हम सब कार्यकर्ता, चूँकि भले ही सांसद हूँ लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं भी हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साह से भरा भी रहता है, सदैव तत्पर रहता है और कभी भी चुनाव आ जाए लगातार चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप सबको विदित है विधानसभा चुनाव आगामी में आने वाले हैं, तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, चाहे मंडल का हो, चाहे शक्ति केंद्र का हो, चाहे बूथ का, हर एक कार्यकर्ता हर समय कमर कसकर पार्टी के लिए, काम के लिए, संगठन के लिए और आने वाले चुनाव के लिए उत्साहपूर्वक तैयार है। क्या लग रहा है भाजपा आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेगी या विकास कार्यों में? देखिए, कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं, जो प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सब जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार, और जन कल्याणकारी योजनाओं विकास के आधार पर कार्यकर्ताओं के उत्साह और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आज पूरे महगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी का सबको मार्गदर्शन मिला है। कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है और निश्चित रूप से एक संकल्प लेके हमारा कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होगा और वो संकल्प है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परमच लहराएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। आज का जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो विशाल भीड़ है और यह विकास कार्य के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव, आज का जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि कार्यकर्ता पूरी तरह ऊर्जा से लवालब और प्रेस हमारे कहीं भी है। ग्वालियर चंबल अंकी में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार परमचिया लहराने वाला है और प्रचंड बहुमत के साथ हम महगांव के साथ साथ की सारी सीटों पर जीतेंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।